दामोदर नदी के तेज धार में बहे बच्चे का शव नहीं मिलने के बाद पांचवें दिन परिजनों ने घटनास्थल पर पुतला बनाकर किया अंतिम संस्कार। 8 अगस्त को भातवा स्थित दामोदर नदी किनारे शमशान घाट के पास स्नान करने गए 8 छात्राओं में से 3 छात्रों के तेज पानी में धार में बहने के बाद 2 छात्र का शव NDRF ने धनबाद स्थित दामोदर नदी से बरामद कर लिया था, लेकिन तीसरे छात्र शुभम मिश्रा का शव अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। समय बीतता देख शुभम के परिजन व्याकुल थे। इसी को लेकर शुभम के पिता तारकेश्वर मिश्रा ने गुरुवार को घटनास्थल स्थित शमशान घाट में पुत्र शुभम के कुश का पुतला बनाकर भारी मन से किया अंतिम संस्कार। इस दौरान सभी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। अंतिम संस्कार कार्यक्रम संपन्न करने के बाद शुभम के पिता तारकेश्वर मिश्रा ने प्रशासन से अपने पुत्र का शव जल्द बरामद करने की मांग की है। पिता ने बताया कि पूरे मामले की पुलिस को जांच भी करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र का कोई भी कपड़ा घाट पर बरामद नहीं हुआ है, जिस कारण मामला संदेहास्पद नजर आ रहा है। बताते चले कि MGM 12वीं के छात्र रहे शुभम मिश्रा हर्ष कुमार और बसंत नहाने के दौरान पानी के तेज धार में बह गए थे, जिसमें से हर्ष और बसंत का शव बरामद कर लिया गया था, लेकिन शुभम के शव का कोई पता नहीं चल पाया। शुभम सातनपुर पंचायत के बागड़ा बेड़ा गांव में रहने वाला था, जो घर से अहले सुबह खेलने की बात कहकर निकला था। तो कोई नहीं कूदेगा, क्योंकि नीचे में उसका स्वाभाविक अंडरवियर नहीं पहना, तभी ट्राउजर पर कूदा है। और वो ट्राउजर पर क्यों कूदा, तब फिर उसको भींगा हुआ पहन के फिर वो घर में जाना पड़ता। तो इतना देर तक तो पता नहीं उसको अपने से कूदा है या परिसर दबाव के हिसाब से उसको हिलाया लाया गया है, पर तो कभी आया नहीं इस क्षेत्र में। हम तो देखें आज इस क्षेत्र से हम लोग 12 में रहते हैं, इस क्षेत्र में आया नहीं। तो प्रशासन से मैं यही करूँगा कि मेरा बच्चा चाहिए जिंदा या मुर्दा। हमारा लाश भी तो नहीं मिला और बच्चा का शरीर भी नहीं मिला। दो बच्चा को तो मिला, मेरा बच्चा को तो नहीं मिला, जो आपके सामने मैं पुतला बनाकर उसका दाह संस्कार आज कर रहे हैं। प्रशासन से ये है कि हमारा बच्चा को मुर्दा भी चाहिए। मैंने दो बच्चे का बॉडी मिल गया। हाँ, दो बच्चे का बॉडी मिल गया, आपके बच्चे का बॉडी नहीं मिला। तो इसके गहन जांच होना चाहिए। वो 5 लड़का कौन है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आए, तो उनसे भी पूछताछ होना चाहिए। आपका बच्चे का क्या नाम था? शुभम कुमार मिश्रा। कहाँ पढ़ता था? MGM स्कूल में। कितना कॉमर्स पढ़ रहा? Yeah.